सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत को कराची में सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने के लिए एक माह की मोहलत। रिमार्क्स दिए, सारी सरकारी जमीनें हाथ से निकल गईं, पार्क्स और मैदान खत्म हो गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों के साथ पूरा माफिया है। अफसरान अपनी जेबें गर्म करने के लिए सीटों पर आते हैं। गैर कानूनी तामीरात करने वाले 90% लोग मुल्क छोड़कर जा चुके, अब किसको पकड़ोगे? अदालत में कमिश्नर कराची की सरजनिश, मुराद अली शाह की अदालत पेशी, जाएं और हमारे अहकामात पर अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट का कैसे रेलवे की जमीनें बागुजार कराने का हुक्म, सर्कुलर रेलवे के लिए अंडरपासेस बनाने की हिदायत, KCR को टाइम फ्रेम के मुताबिक असल हालत में बहाल करें, अदालत का कमिश्नर कराची को रेलवे की जमीन पर बने तिजोरी हाइट्स टेक ओवर करने और किडनी हिल पार्क से कल तक तमाम तजावजात खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रबानी की सरजनिश भी कर दी। वफाकी हुकूमत मुलाजमीन को निकाल कर स्टील मिल्स की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। स्टील मिल नहीं चल रही तो हमें दे दें, वज़ीरे आला सिंध के वफाक को पेशकश। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने वाले मिल मुलाजमीन से इजहार यकजहती। मुराद अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का वादा। बिजली की मद में पाकिस्तान रेलवेज को अरबों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। कॉलोनियों में बिजली मीटर ना होने पर सालाना 2.5 अरब रुपए का नुकसान, जिम्मेदार वापडा और रेलवे हुकाम निकले। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। कौमी खजाने की एक एक पाई कौम की अमानत है। वजीर आजम इमरान खान का सख्त इजहार बरहमी। कॉलोनियों में 4 माह में बिजली मीटर लगाने का हुक्म। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन करवाने का रेफरेंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस सबात के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। हुकूमत ने आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 की शिक 6 में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की है। वफाकी हुकूमत का अमरीकी तहकीकती एजेंसी FBI से बाहमी तआवुन के मुआहदे का फैसला। नैब, FIA और FBI के दरमियान MOU पर दस्तखत की तैयारी शुरू। दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलजमान के खिलाफ तआवुन करेंगी। PDM की तहरीक से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम की सरबराही में वफाकी काबीना अराकीन की अहम बैठक जारी। सियासी सूरतेहाल के साथ मौशी उमूर, गैर मुल्की फंडिंग के इस्तेमाल और गिलगित बल्तिस्तान में 3 साल के लिए FC की तैनाती की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। स्पीकर पार्लियामेंट में बैठकर आवाजें लगा रहे हैं, इस्तीफे लाएं और ये छुपते फिर रहे हैं, आप में जरूरत है ना हिम्मत। फिरदौस आशिक अवान की PDM पर तनकीद, मजीद बोली, मरियम नवाज 3 में है न 13 में, आज तक पार्लियामेंट की रसाई नसीब नहीं हुई। असेंबली से इस्तीफे दे या नहीं, लॉन्ग मार्च कब करें, PDM के सामने क्या तजावीज रखे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस से आमला का अहम इजलास आज होगा। असेंबली से इस्तीफों के मामले समेत 4 निकाती एजेंडे पर फैसले किए जाएंगे। सियासी और मौशी सूरतेहाल, हुकूमती कारकर्दगी और इंतखाबी इस्लाहात भी जेरे बहस आएंगे। JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक, मौलाना फजलुर रहमान पर शदीद तनकीद। मौलाना शुजाउल मुल्क का कहना है कि फजलुर रहमान ने जमीयत को अपनी जागीर समझ रखा है, जमीयत में टिकट्स पैसों पर बिकते हैं। सेनेटर तलहा और लुत्फुर रहमान पर सेनेट के वोट बेचने का इल्जाम। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरान और अहलकारान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। नैब अलामे के मुताबिक नैब की तहवील में कोई शख्स हलाक नहीं हुआ।
इस तरह की गुमराहकुन और मनगढ़ंत मुहिम यकसर मुस्तरद कर दी। नैब की साख को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। तामीराती सनत को 3 से 6 माह मजीद टैक्स एमनेस्टी मिलने का इम्कान। स्कीम की तौसी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस ने एफबीआर को हिदायत जारी कर दी। तौसी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट कल तक जारी होने का इम्कान। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो जरदारी साहब ने तकरीर की और उनकी तकरीर से पहले जो शेर के शिकारी के नगमे गाए गए, वो जरदारी साहब की तकरीर की इक्कासी करते हुए उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि दूसरी जमातें खसूसन पीएमएलएन और मौलाना साहब ना हमें बताएं कि हमने क्या करना है, हमें डिक्टेट ना करें। तो जरदारी ने अपनी तकरीर में पीडीएम का नज़रिया जो था उसको मलियामेट कर दिया। और ख़ास तौर पे आपने भी देखा होगा कि ये जो मौलाना मरियम बिलावल और मौलाना की अपनी जमात के अंदर जो इस वक्त तितर बितर होता मौलाना शरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद का मौलाना को लताड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आपके सामने है कि ये जारी रहा। तो ये 11 जमातों का जो टोला और पीडीएम, ये ख़ुद इनका बयानिया 9-2-11 होता नज़र आ रहा है जी। शाबाश भी मिलती है आपको इमरान खान साहब से। देखें, जो सियासी वर्कर होते हैं ना, उन्हें किसी जगह से कोई डिक्टेशन या ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आवाम की जदोजहद से उठ के आशफा इलेक्शन लड़ती हैं, मुझे पता है और इसको पता है कि 5 साल आप अपने उन वर्कर्स को खुश करने के लिए जदोजहद करते हैं और 5 साल बाद एक वोट की पर्ची उसने आपको देनी होती है। तो ये भी उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको वो पर्ची दे या ना दे। तो उनके नाज नखरे उठाते, उनकी हर तरह की नाराज़गियों को मोल लेके मनाते, वो 5 साल जो गुज़र जाते हैं तो वो अलहाम जो होते हैं वो रोज़ जो है वो रात से ले कर सुबह तक और फिर अगली सुबह तक वो आवाम के मुंह से जो चीज़ निकल के हमारे दिलों तक पहुंचती है वही हमारी ज़बान पे आती है। और इमरान खान साहब का जो शाबाश का मुझसे ज़्यादा जो है वो टीवी की स्क्रीनें उनके अल्फाज को चला चुकी हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि वो ख़वातीन के हवाले से हमारी जो जदोजहद है उसको हमेशा पज़ीराई भी देते हैं और सियासी वर्कर होते हुए उनकी आरा का एहतराम भी करते हैं।